हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं यमी क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट स्नैक्स है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रेड लेंगे और इसमें इसे पानी में डाल देंगे और इसे हम ऐसे स्क्वीज करके इसका जो एक्सेस पानी है वो इसे हम ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हम 8 से 9 ब्रेड ऐसे कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया है। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मैदा 4 टेबलस्पून, देन हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल देंगे 2 टेबलस्पून, देन हम इसमें थोड़े से भेजीज डाल देंगे। तो हम यहाँ पर पहले चॉप किए हुए अनियन डाल देंगे, हमने यहाँ पर 1 अनियन डाला है, देन हम 1 कैप्सिकम चॉप किए हुए डाल देंगे, देन गाजर, देन करियंडर लीव्स, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, देन हम यहाँ पर ग्रीन चिली 2 डाल देंगे, देन हम इसमें डाल देंगे नमक 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्ची का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सेजवाइन सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, एंड लास्ट टोमाटो सॉस 2 टेबल स्पून। ये सब को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप याद रखिए कि यहाँ पर पानी बिल्कुल भी मत डालिए, ये ऐसे ही हो जाएगा, इसका पानी ऑलरेडी है इसके अंदर। तो ये रेडी हो गया है। देन हमें कढ़ाई पे तेल लेंगे, ये गरम हो जाने के बाद हम इसका एक छोटा सा बाइट डालेंगे ताकि हम जान सके कि ये तेल अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं। तो ये अच्छे से गरम हो गया है, तो इसमें हम इसे राउंड शेप के हमने यहाँ पर किया है, तो आप भी ऐसे ही कीजिए। तो इसे राउंड शेप के करने के बाद हम यहाँ पर इसे डाल देंगे। गैस आप मीडियम फ्लेम पे ही रखिए, वरना ये इसका जो अंदर है वो कच्चा रह जाएगा और इसका ऊपर का हिस्सा जल जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखिए। सो ये जो रेसिपी है ये बहुत ही यमी रेसिपी है, लाइक स्नैक्स के लिए इससे अच्छा रेसिपी और कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ा हम एक साइड 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे, देन हम इसे दूसरी साइड पे करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा दिख रहा है, तो ये बन जाने के बाद और कितना अच्छा दिखेगा। तो इसे हम ऐसे ही 8 to 9 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे तेल में। ये हमारा हल्का हल्का हो गया है। तो इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हम लास्ट में थोड़ा सा मीडियम जो है हमारा गैस का फ्लेम, हम उसे थोड़ा ज़्यादा करेंगे। तो ये हमारी रेडी हो गई है क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा, तो इसे हम निकाल लेंगे। एकदम से रेडी हो गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। इतना यमी दिख रहा है, लाइक मेरा बस चले तो मैं इसे गरम गरम ही खा लूँ। तो ये रेडी हो गया है, तो इसे हम अभी प्लेटिंग कर लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी केचप और मेयोनीज का ये बना लिया है, तो इसके ऊपर मैं इसे डाल दूँगी ब्रेड पकौड़े, देन उसके ऊपर थोड़े से कोरिएंडर लीव्स अच्छे दिखने के लिए। अब देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और टेस्टी दिख रहा है, ये खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी जाइए, आप इसे बनाइए, दूसरों को खिलाइए, और टेस्ट में ये कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।